टेक एन एग्जाम्पल अगेन, हमारी पुरानी दो कंपनीज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड टाटा। आई विश एवरीबडी टू कॉपी दिस। चिल्ड्रन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं आपको बताऊंगा। आई लेट यू नो कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का सो कॉल्ड डेटर्स का अमाउंट क्या है, देयर आफ्टर इनके क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है। तो इससे बेसिकली हम इनकी एफिशिएंसी की पढ़ाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई होप सो एवरीबडी नोज कैसे कैलकुलेट होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्लस होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है प्लस होता है। तो रिपीट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इजंट इट, सुनाई पड़ गया। मारुति का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दैट इज 25 लाख और टाटा का जो है वो 40 लाख है। मतलब मारुति 25 लाख रुपए का सामान नेट प्रोड्यूस करता है, बेचता कितने में दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड, समझ में गया। और टाटा यही काम 40 लाख पे करता है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, ऑन एन एवरेज मारुति के पास जो इन्वेंट्री होती है ये लगभग 2.5 लाख रुपए की होती है। 2.5 लाख रुपए का स्टॉक इनके पास मोर और लेस एवरी टाइम पड़ा रहता है। टाटा के पास 2 लाख रुपए का स्टॉक मोर और लेस पड़ा रहता है। इतनी बात सुनाई पड़ गई सबको? चलो नोट दिस। यस सर। क्विकली कॉपी दिस, चलो क्विकली। Yes. So if I ask people to divide cost of goods sold by average inventory, you will get the answer what, children? 25 lakh upon 2.5 lakh is what? 10. 10 times. आप अपने stock holding के capacity के comparison में 10 बार goods बेच पाते हो। Tata does it for how many times, children? 20 times. If I say ki 1 year mein Maruti wale 10 times apne goods sell karte hain, 10 times. 1 year has how many days, children? 365 days divided by 10. They do this activity once in how many days, children? 36.5 days. Or you can roughly call it as 37 days. Tata यही काम कितने दिन में करता है बच्चों? Let's say 365 days upon 20. What's the answer? 18.25 days. अब यहाँ पे एक contradiction है some teachers से कि दोनों cases में आप इसको round off करिए, because 18.25 18 दिन के बाद ही आएगा। And some say ki piche le jaiye, hardly makes any difference. You can say it at 18 days or 19 days, whatsoever it is. Hum to keh rahe bhi efficiency ka concept padh rahe hain. So children, Tata apna stock 18 to 19 days mein clear kar deta hai. But Maruti ko 37 days lagte hain. Who is a good salesman? Tata. Ye kitne goods bechte hain? To ye kaam 20 baar karenge saal bhar mein aur ye sirf 10 baar. So their profitability is also bound to be more. So which out of the two in this sounds to be more efficient, children? Chalo answer. Yahan pe zyada efficiency level aapko kiska mil raha hai? Tata ka ya Maruti ka? Tata. So Tata sounds to be the more efficient company. समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए एक और पैरामीटर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज हमारे जो डेटर्स हैं। मारुति की जो क्रेडिट सेल है चिल्ड्रन, इट इज लेट अस से 10 लाख रुपीस की, एंड ऑन एन एवरेज डेटर्स के ऊपर 1 लाख रुपए उधार मोर और लेस इन्वेस्टेड रहता है। तो मारुति 1 लाख रुपीस का क्रेडिट देकर 10 लाख रुपए के गुड्स बेच लेता है। हर्ड दिस वेल? यस।
And Tata people, children, what they do, let's see. ये भी 10 लाख के गुड्स ही क्रेडिट पे बेचते हैं, बट इनका मार्केट में 2 लाख रुपए का उधार लगा हुआ है. 10 लाख अपॉन 1 लाख साउंड्स टू बी 10 टाइम्स चिल्ड्रन, एंड 10 लाख अपॉन 2 लाख साउंड्स टू बी 5 टाइम्स. तो मारुति बेसिकली 2 लाख रुपए डेटर्स के ऊपर उधार नहीं लगा रहा, सिर्फ 1 लाख रुपीज लगा रहा है. और कितने की सेल्स कर रहा है क्रेडिट पे? 10 लाख. 10 लाख टाटा ने 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं और ये सेल्स कितनी कर पा रहे हैं? 10 लाख क्रेडिट पे. हु इज एबल टू सेल मोर? मारुति. मारुति की क्रेडिट सेल पॉलिसी टाटा से बेटर है. मारुति के पास डेटर्स कम है उतनी ही सेल में जितना टाटा सेल कर रहा है, बट टाटा के डेटर्स ज्यादा है. हर्ड दिस वेल चलो. यस सर. अब अगर आप ये सोचें कि सर 365 डेज में मारुति ने 10 बार उधार पे सामान बेचा, व्हाट इज 365 अपॉन 10 अप्रोक्सीमेटली? चलो 36.5 रफली 37 डेज. टाटा यही काम कर रहा है 365 डेज में, बट 5 टाइम्स कर पा रहा है सिर्फ. व्हाट इज 365 अपॉन 5 चिल्ड्रन? 73 डेज. तो टाटा 73 डेज में सो कॉल्ड अपने डेटर्स से इंटरेक्ट करता है. मारुति इज इंटरेक्टिंग एवरी 37th डे, तो किसके डेटर्स के भागने की प्रोबेबिलिटी कम होगी? मारुति का कस्टमर जब फिर से सामान मांगने आएगा, व्हाट वी वुड से, पहले पुराना उधार क्लियर करो तब देंगे, सेम टाटा भी बोलेगा. बट मारुति के पास उसका कस्टमर 37 डे के बाद लौटता है, टाटा के पास 73 डेज के बाद लौटता है. तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट पॉलिसी टाटा की है, रिजिड क्रेडिट पॉलिसी मारुति की है. बैड डेट्स कहां पे कम होंगे चिल्ड्रन? मारुति में. एयर मोर एफिशिएंट कंपनी इज व्हाट? मारुति सुजुकी इंडिया. समझ में आ गया? तो कौन अच्छा वसूली भाई नजर आ रहा है? मारुति और टाटा. मारुति. समझ में आ गया? चलिए, यस सर. गुड टू सी कि लोगों ने फेविक्विक शेक पीना छोड़ दिया जैसे जैसे ठंडी का मौसम बढ़ रहा है, और वो करंट पकौड़ी ज्यादा खा रहे हैं इसलिए आवाज निकल रही है. देन चिल्ड्रन हम कंपेयर करेंगे क्रेडिट परचेज को अपने क्रेडिटर्स के साथ. इससे पता लगेगा कि हम आपके हैं कौन, मतलब आपकी इज्जत हमारी नजरों में कितनी है. मारुति के पास गुड्स लगभग 10 लाख रुपीस के रखे हुए हैं, एंड टाटा के पास भी. पीपल सप्लाइंग क्रेडिट टू मारुति आर वर्थ रुपीस 1 लाख, एंड those सप्लाइंग टू टाटा आर वर्थ 2 लाख. तो मारुति के क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के हैं. क्विकली पुट दिस, सो 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स मारुति के हैं, और ये 10 लाख रुपए का सामान उनसे उधार में खरीदते हैं. हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 10 टाइम्स. एंड सेम टाटा पीपल डू चिल्ड्रन? हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. सो अगेन, अगर मैं 365 से इसको डिवाइड कर दूं 10 को चिल्ड्रन, 365 डेज अपॉन 10, 37 डेज. एंड हियर इफ आई डू द सेम बाय 5 चिल्ड्रन, व्हाट डू आई गेट? 73 डेज. टाटा अपने सप्लायर्स को 73 डेज में पेमेंट करता है, मारुति 37 डेज. यू आर अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप किस कंपनी को टायर सप्लाई करने में इंटरेस्टेड होंगे? मारुति. उधार लेंगे 37 डेज में पैसा दे देंगे, और ये लोग 73 डेज में. तो हु आर गुड पे मास्टर्स? मारुति. सो विच कंपनी साउंड्स टू बी मोर एफिशिएंट? अगेन चिल्ड्रन, मारुति सुजुकी इंडिया. मारुति. समझ में आया बच्चों? यस सर. चलिए, सो चिल्ड्रन, ये जो आपने कंपैरिजन किया पहला वाला, इसे आप बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर
रेशियो। ये जो आपका दूसरा कंपैरिजन था चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एंड चिल्ड्रन ये जो आपका तीसरा कंपैरिजन था, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो ये मोस्ट प्रोमिनेंट वंस हैं, बट दिस ईयर ऑनवर्ड सीबीएसई सिलेबस में दो रेशियोज और बढ़ गए हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एंड फिक्स्ड असेट्स, सॉरी नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर आप बोल सकते हैं। खैर वो बहुत आसान होते हैं, मेन पढ़ाई इन्हीं तीन की होती है, बस समझ में आ गया, जो बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। एंड बच्चों आपने जो डेज वगैरह में कैलकुलेशंस किए, इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है, व्हाट दे आर आई एम लेटिंग यू नो, नॉट टू वरी एट ऑल। सो जब आपने रेशियो निकाला तो उसको रेशियो ही बोलेंगे, और ये जो डेज में आपने सारा कैलकुलेशन किया चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। व्हाट वेलोसिटी? तो यहां पे हम इन्वेंटरी वेलोसिटी या स्टॉक वेलोसिटी बोलते हैं, यहां पे हम रिसीवेबल्स वेलोसिटी बोलते हैं, और यहां पे हम पेबल्स वेलोसिटी बोलते हैं। तो एनसोएवर आपको ये रेशियोज कैलकुलेट करने को मिलेंगे, आपको रेशियो के साथ साथ वेलोसिटी भी पता लगानी पड़ेगी। और टर्म्स क्या क्या यूज करने हैं, यू नो देम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। एवरेज निकालना बड़ा आसान है, मीन का कॉन्सेप्ट है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, टू से डिवाइड कर दीजिए। सेम इज द केस हियर आल्सो, डेटर्स बिल रिसीवेबल का ओपनिंग, डेटर्स बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग, दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड कर दीजिए। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का ओपनिंग प्लस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का क्लोजिंग, दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट एवरेज। समझ में आ गया? चलिए अपडेट दिस क्विकली इन योर क्लास वर्क कॉपी। चलो स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। सो एक्टिविटी अल्टीमेटली इज गोइंग टू मेजर चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, कि आप कितने एफिशिएंट हैं। तो किसी जमाने में इस रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते थे, आज हम जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते हैं। सुनाई पड़ी बात? सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप चिल्ड्रन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड एवरेज इन्वेंट्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? एवरीबॉडी नोज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके टू से डिवाइड कर दीजिएगा। समझ गए? तो मारुति और टाटा वाला एग्जांपल देख के ध्यान से बताइए चिल्ड्रन, किसको आपने बोला था मोर एफिशिएंट? मारुति। इन्वेंट्री टर्नओवर बताइए। मारुति। इन्वेंट्री टर्नओवर टाटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लोग भूल गए हैं, मैं फिर से डिस्प्ले कर देता हूं, मैं फिर से डिस्प्ले करता हूँ। टाटा का 20 टाइम्स था चिल्ड्रन और मारुति का 10 टाइम्स था, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है? सिंपल एज दैट। लॉजिक समझ में आ गया? तो हायर रेशियो इज बेटर, यहाँ पे भी हायर रेशियो इज बेटर और यहाँ पे भी हायर रेशियो इज बेटर। कंफ्यूजन हो तो वेलोसिटी निकाल के पता लगा लीजिए। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हायर रेशियो इंडिकेट्स कि हम जल्दी से स्टॉक बेचेंगे, लोअर रेशियो इंडिकेट्स कि हमको बहुत देर लग रही है। समझ गए सब लोग? yes. पक्का? चलो, सो वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, आप हमेशा डेज में कैलकुलेट करेंगे, और अगर क्वेश्चन वीक्स और मंथ्स का भी रिक्वायरमेंट कर रहा है तो आप उसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 81 सबको नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ परचेज इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 180 है, एंड एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 18,000। So let's put the formula quickly. Inventory turnover ratio equals to what upon what, children? Corpo upon average. Cost inventory. Of revenue from operations upon average inventory. Cost of revenue from operations, that is purchases, 180,000, children. And we'll divide it by what?
18,000. Ten times. I repeat it as 10 times. Velocity भी निकाल लेते हैं. 365 days upon 10. 12 months upon 10. And 52 weeks upon 10. What is children 365 upon 10? 36.5. Or you can say 37 days. 12 months upon 10 is what? 1.2 months. 52 weeks ka kya jayega? 5.2 weeks. 2 weeks. Samaj gaye? Samaj gaye? Yes, sir. 82nd में चलन एवरीथिंग वुड रिमेन सेम. आपको ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, वेजेस, कैरेज इन्वर्ट, परचेज सब कुछ दे दिया गया है. गॉट इट क्लियर? आई होप सो. आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे इसमें. चलिए डू इट ऑन योर ओन. एंड एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. व्हाट्स एवर इज बीइंग डन शुड बी रिटन. चल रहा है, मुंह जबानी मत कर लीजिएगा. ओके, बी क्विक, लेट्स चेक. फॉर्मूला इज सेम, सो आई वोंट बी पुटिंग इट अगेन. सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दैट्स द इजी वे आउट. ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2. This could be the way to present. So let's add this up. Opening inventory is what, children? 18,000 plus net purchase 46,000 plus direct expenses 14 and 4 and minus closing inventory is 22,000. Thereafter, we'll take opening inventory 18,000 as a denominator plus 22,000 closing and divided by 2. What's the numerator answer? 60,000. And denominator, children? 20,000. Kya aayega final answer aapka? Three times. चलिए वेलोसिटी भी निकाल लेंगे हम. 365 डेज अपॉन 3 इज व्हाट? 67. ओके, तो आप इसको 122 डेज बोल देंगे. ओके, then 12 months upon 3, answer is 4 months, and then 52 weeks upon 3, 17.33 weeks. Heard well, children? Pakka? Yes, sir. Chale aage? Yes. Easy? Yes, sir. Yes, sir. 83rd चिल्ड्रन, परचेज दिया है आपको, ओपनिंग इन्वेंटरी भी दिया हुआ है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 10%. अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट नोट में लिखी है चिल्ड्रन, और ये ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा. मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चन विल प्रोवाइड चिल्ड्रन ओनली वन टाइप ऑफ स्टॉक, ईदर ओपनिंग वुड बी गिवन और क्लोजिंग, दोनों का भी नहीं दिया होगा. दोनों में से कोई एक, दोनों दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल ऐड बोथ डिवाइडेड बाय 2, यू विल बी गेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज. बट हियर यू विल बी गेटिंग ईदर ओपनिंग और क्लोजिंग. दैट वेरी सेम चिल्ड्रन, ओपनिंग और क्लोजिंग वुड बी कंसिडर्ड एज एवरेज. आपको एवरेज निकालने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है चिल्ड्रन. Here we have opening inventory given to us. Yes or no? Do we have closing inventory?
एब्सोल्युटली नो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी. वील अज्यूम कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 55 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो रुपीज 55,000. जितना ओपनिंग है आप उतना ही क्लोजिंग मान लेंगे. व्हाट इज 55 + 55 एंड इफ यू डिवाइडेड बाय टू चिल्ड्रन व्हाट वुड बी योर एवरेज. दैट्स व्हाई आई सेड जो दिया है उसी को आप एवरेज मान लीजिए. नाउ द क्वेश्चन राइजेस सर अंडर व्हाट अजम्पशन हम इससे क्लोजिंग मानते हैं कि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग. द अजम्पशन इज वी प्री अज्यूम दैट आवर बिजनेस कंसर्न would like to maintain same levels of stock every time with itself. तो जितना last year के end में था उतना ही इस year के start में है. Probably same inventory we would like to maintain in this year only. तो a stable business maintains same inventory levels assuming that the market demand is also same. तो इस assumption के basis पे we pre-assume if opening is given but closing is not given, same would be assumed as closing. You will add both, divided by two, answer would be same. इसीलिए जो दिया है उसे average मान लिया है. समझ में आई बात? पक्का? चलिए. Let's start. The formula for inventory turnover ratio is what? CORFO upon average inventory. हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम पे परचेज की वैल्यू है बस. सर ग्रॉस प्रॉफिट किस लिए दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट बेवकूफ बनाने के लिए दिया, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. इट्स 4 लाख चलन डिवाइडेड बाय एवरेज वुड बी कंसिडर्ड एज 55,000. व्हाट वुड बी द आंसर? 7.27 times. Heard well, children? Yes, sir. चलिए 84th बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. A trader has closing inventory of 40,000. His inventory turnover ratio is 8 times. If he sell goods at a profit of 20%, find out gross profit. तो दो काम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं. सबसे पहले तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए. CORFO upon average inventory. And children, we'll prepare a trading account. Do we know opening stock? Children, do we know opening stock? No, sir. Had it been given to us, aapne trading ki debit mein likha hota, but pata nahi hai. Purchase likha jata hai trading ki debit side mein, if I'm not wrong. Followed by direct expenses and GP. आपने ऐसे questions class 11 में किए हुए हैं जहां पे आपको so called काफी चीजें दी होती थी, आप GP निकालते थे, कभी कभी GP दिया होता था, closing stock निकालते थे. And credit side we put what children? Sales and closing stock. Do we have closing stock given in the question to us? Yes. 40,000. Inventory turnover ratio 8 times है children? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times है. यस सर. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है बच्चों? नो. बट क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस और नो? एंड अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर क्लोजिंग दिया हो एंड ओपनिंग इज नॉट गिवन और कोई तरीका भी नहीं निकालने का, सेम वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? Average 40,000. So you'll be able to get CORFO how much alone? 3,20,000.
heard well? Heard well? Yes, sir. अब ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है, परचेज पता नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस पता नहीं है, बट एक बात पता है हमको कि इस सारा डेटा अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें CORFO मिलता है। चलो एक फॉर्मूला किसी जमाने में मैंने आपको बताया था, SP=CP+P, NRFO=CORFO+GP। अगर आपने होमवर्क किया हो प्रॉफिटेबिलिटी का तो आपने फॉर्मूला 10 बार इस्तेमाल किया होगा। प्रॉफिट 20% किसका है चिल्ड्रन? परचेज का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, और कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब CORFO। तो लेट दिस बी 100, दिस बी 20, ये कितना हो जाएगा? बस काम खत्म। CORFO पता है चिल्ड्रन आपको? तो अगर CORFO 100 है तो GP इज 20, CORFO अगर 320,000 है तो GP इज हाउ मच? Won't it be 320,000 into 20 upon 100 children? Yes. कितना आएगा आंसर? 64,000. और अगर सेल निकालने को बोला जाता तो भी यही काम करते हैं। 100 अगर CP है तो सेल इज 120, कॉस्ट अगर 320 है तो सेल वुड बी हाउ मच? दो तरीके हैं, या तो आप 320 में प्रॉफिट जोड़ लो 64 का, 384 आंसर आएगा, या आप ऐसे कर लीजिए 320 into 120 upon 100। डिफिकल्ट? चलिए कनेक्टिंग अगेन, चलो कनेक्टिंग अगेन। सबको समझ में आ गया था? यस सर। मैथमेटिक्स नो अकाउंटेंसी, क्लास 5 की मैथ्स बस आनी चाहिए, सिर्फ क्लास 5 की मैथ्स। चलिए कनेक्टिंग।